तो ग्रोथ ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे हैं, और मान लीजिए कि आपके पास ये सिनेरियो गिवन है कि ये सारे फंक्शंस हैं और आपको इसको ऑर्डर करना है इंक्रीजिंग सीक्वेंस में अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ। तो अगर हम एन की एक वैल्यू मान लें, अज्यूम कर लें, लेट से एन की वैल्यू 2^128 है, इस बेसिस पे हम बाकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। सो ये जो 10 है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस एन। इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्रोथ होगी इसकी कॉन्स्टेंट ग्रोथ होगी। 100/n को देखने से ही लग रहा है कि जैसे जैसे n की वैल्यूज बढ़ती रहेंगी ये वैल्यू कम होती रहेगी। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होगी और ये कम हो रही वैल्यू होगी। बाकी सारे जो फंक्शंस है वो ग्रो कर रहे होंगे, जबकि 100/n की वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही होगी। इसलिए हम कहेंगे कि जो सबसे स्मॉल फंक्शन है या सबसे स्मॉल ग्रोथ वाला जो फंक्शन है वो 100/n है। इसके बाद बाकी वैल्यूज को हम कैलकुलेट ही कर लेते हैं। जैसे लॉग एन हमें कैलकुलेट करना है, सो लॉग एन का मतलब कि लॉग 2^128 बेस टू, इस 128 को जब आप इधर लेके आएंगे सो दिस विल बी 128 इंटू लॉग 2^2, इसकी वैल्यू हो गई 128। जब आप अंडर रूट 10 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सो अंडर रूट 10 का मतलब हो गया अंडर रूट 2^128। इसका सिंपल मीनिंग है कि आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2^64 इंटू 2^64 के फॉर्म में। फाइनली जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2^64 आएगी, जो कि काफी बड़ी वैल्यू है। देन हम एन को कैलकुलेट कर रहे हैं, और एन की जो वैल्यू होगी वो 2^128 ही है, तो इसकी जो ग्रोथ है वो अंडर रूट एन से ज्यादा होगी, ये ऑब्वियस भी है। एन लॉग एन की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करें सो एन की वैल्यू 2^128 और लॉग एन की वैल्यू, अभी अभी हम लोगों ने निकाला है कि लॉग एन की वैल्यू 2^128 है, 128 है। सो इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए लॉग एन की वैल्यू इससे, एंड दिस बिकम्स 2^128 मल्टीप्लाइड विथ 2^8, 256 पाई 112 7 आई बिलीव। ओके फाइन, सो 2^7, सो ये 2^135 वैल्यू हो गई एन लॉग एन की वैल्यू। नाउ वी आर कंप्यूटिंग द लॉग लॉग एन। तो लॉग लॉग एन कैसे निकलेगा, हम सबसे पहले लॉग 2^128 निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 128, और जब लॉग बेस 2 128 की वैल्यू निकालेंगे सो दिस विल कम आउट टू बी 7। तो आप देख सकते हैं कि जो लॉग लॉग एन की जो वैल्यू है वो अभी तो 7 आ रही है, लेकिन जब आप एन की और लार्ज वैल्यू लेंगे तो और बड़ी वैल्यू आएंगी। तो इसका इसके 7 आने का ये बिल्कुल मीनिंग नहीं है कि ये 10 से छोटा हो गया, क्योंकि 10 तो कॉन्स्टेंट है। जैसे जैसे हम और बड़ी वैल्यू लेंगे तो लॉग एन एन लॉग लॉग एन की वैल्यू और बड़ी आ जाएगी। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते इसके बेसिस पे कि ये 10 से बड़ा है, बल्कि ये 10 से छोटा ही होगा, सॉरी 10 से छोटा है, ये एक्चुअली 10 से बड़ा होगा, क्योंकि जैसे लार्ज वैल्यूज कंप्यूट करेंगे लॉग लॉग एन की वैल्यूज भी बढ़ती रहेगी, जबकि 10 की वैल्यू हमारी कॉन्स्टेंट होगी। सो आइए नंबरिंग करते हैं इन फंक्शंस की ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर वी हैव गॉट। एनसर्किल कर लेते हैं इन सभी आंसर्स को, जिससे कि हम डिसीजन मेकिंग आसान कर सकें। तो सबसे स्लो ग्रोथ जो है वो 100/n की होगी, 10 कॉन्स्टेंट है ये, इसकी सेकेंड नंबर पर ग्रोथ होगी। लॉग लॉग एन जिसकी वैल्यू 7 अभी हमें दिख रही है इस केस में, इसकी वैल्यू ये थर्ड नंबर पर ग्रोथ इसका होगा। इसके बाद जो ग्रोथ है वो लॉग एन का ग्रोथ होगा, यस लॉग एन का ग्रोथ होगा, क्योंकि ये 128 इसकी वैल्यू आई है। एंड देन इसके बाद 5 नंबर पे जो ग्रोथ हमारी होगी वो अंडर रूट एन की होगी, एंड 6 नंबर पे एन की होगी, 7 नंबर पे एन लॉग एन की होगी। ये कह सकते हैं कि एन लॉग एन जो है वो सबसे बड़ी क्वांटिटी है, या सबसे ऐसा ऐसा फंक्शन है जिसकी ग्रोथ सबसे तेज है। सो आइए इसको ऑर्डर कर लेते हैं, 100/n स्लो ग्रोथ है इसकी, 10 की ग्रोथ इससे फास्ट है, देन इसके बाद लॉग लॉग एन की ग्रोथ इससे ज्यादा है, देन इसके बाद लॉग एन की ग्रोथ इससे ज्यादा है, एंड देन अंडर रूट एन की ग्रोथ इससे ज्यादा है, देन इसके बाद एन की ग्रोथ इससे ज्यादा है, और फाइनली एन लॉग एन जिसकी ग्रोथ फास्टेस्ट है इन सभी गिवन फंक्शंस के हिसाब से। So thanks for watching this. We will meet again with the growth of functions for some other values.